ख्वातीन के शोबे में कोई अगर सवाल हो गैर मुस्लिम ख्वातीन की तरफ से तो कर सकती हैं। माय नेम इज धनश्री सावंत एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ बी कंप्यूटर सेकेंड ईयर. सो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, इज द फर्स्ट पेयर ऑफ ह्यूमन बींग इज हैवंट बींग प्रूव्ड बट इट इज नॉट एस्टेब्लिश येट. बट नाउ हाउसेज विल बी गोइंग टू प्रूव इट बिकॉज वी कांट गो बैक इन टाइम. थैंक यू. बहन ने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दिगर मजहब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहि सलाम और हवा अलैहि सलाम थे, लेकिन साइंस ये तस्लीम नहीं करता, हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहि सलाम और बीवी हवा थे. पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS, ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की. और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है. और मैं ये कहना चाहता हूं कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूं जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में. अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है. 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है. अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं. इस 20% में से 1% अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है, अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते हैं उसे डाउटफुल कैटेगरी में, डाउटफुल, वी डोंट नो. तो मेरी लॉजिक ये कहती है अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका है कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके, तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा. और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा. साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ. आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं. साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोजख का, कुरान में जिक्र है जिन का. साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है. तो बहुत सी चीजें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीजें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है. इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोजख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगी कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी. आई एम वसीम भंडारी, आई एम फ्रॉम बीजापुर कर्नाटका. आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड टू कम टू दिस प्रोग्राम बट ही सेड I cannot